रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राताश्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं, और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनूर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया या अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। यदि यहां हस्तिनापुर के कुमारों के मध्य संघर्ष हुआ तो हस्तिनापुर उपहास का पात्र बन जाएगा। परंतु यह युद्ध मेरे और कर्ण के मध्य है। बाण नीचे करो अर्जुन। अंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। योधन, मेरे मार्ग में मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाएं। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमति को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम की चिंता व्यापारी करते हैं, दुर्योधन केवल युद्ध करता है। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? चुन लो। इससे और आपसे भी युवराज युधिष्ठिर, यदि कोई और दिन होता तो आपके इस तर्क की काट अवश्य प्रस्तुत करता, परंतु आज मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन, जीवन लंबा है, आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा अधूरा द्वंद अवश्य पूरा होगा।
भाईगण, तो मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है। क्या हुआ दुर्योधन? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे। एक समय वो था जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अकेले 3 काशी कन्याओं का हरण किया था, और आज 3 पीढ़ी पश्चात परिस्थिति यह है कि हस्तिनापुर के महाराज कुमार अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे हैं। मद्र नरेश! अरे दुर्योधन, क्या हुआ? क्रोध आ गया? आक्रमण करोगे तो करो। मैं प्रस्तुत हूं। सावधान हो। ना हिलने का प्रयास करना और ना राजकुमारी भानुमति को स्पर्श करने का, वरना अपने प्राण से जाओगे। तो तुम द्वंद करना चाहती हो तो आओ आगे बढ़ो। कुमारियों के हाथ में मेहंदी शोभा देती है, खड़क नहीं। और सच्चे वीर पुरुष को हरण करना शोभा नहीं देता। जितनी तीव्रता तुम्हारी जीभ में है उतनी तीव्रता तुम्हारे प्रहार में नहीं। कुमारी रुक जा। जो रुक गया वो विजय कैसे प्राप्त करेगा? शत्रु का क्रोध शल्य के जीवन का अमृत है। दुर्योधन, अब तुम्हारी सहायता के लिए कौन आएगा? बस हुआ, खेल समाप्त।
वीरांगना पराजित हुई। अब शांत रहना तुम्हारा धर्म है। बस करो हस्तिनापुर युवराज, क्यों कौरव वंश को लज्जा रहे हो? अपनी गदा उठाने के लायक तो हो नहीं, भानुमति को कैसे ले जाओगे? हम सबका अपमान करने वाले, देखते हैं अपना मान कैसे बचा पाओगे। अपमान का प्रतिकार है शत्रु के प्राण। और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण। एक मित्र के लिए सबको शत्रु बना लेना मूर्खता है युवराज। जरा संदेह था इसलिए तुम जीत गए, मगर हम अनेक हैं, हमें कैसे हराओगे? राधे का केवल एक लक्ष्य है परिवर्तन। यदि किसी में भी बल है तो आगे बढ़ो। आनंद आएगा, स्वयंवर में विजय प्राप्त करने से अधिक तुम्हें पराजित करने में आएगा कर्ण। सुना है अंगराज में बहुत क्रोध है और शल्य को क्रोध का प्रतिकार करने में सबसे अधिक आनंद आता है। जितने कठोर तुम्हारे बाण है कर्ण, उतना ही कठोर तुम्हारा हठ भी है। कहा था अर्जुन ने कि स्वयं को सिद्ध करने की लालसा तुम में बचपन से थी। इस हठ की ज्वाला को तुम्हारे भाई शोन की चिता की अग्नि भी शांत नहीं कर पाई। क्रोध आ रहा है कर्ण। Thank you.
इसके बाण इतने उग्र कैसे हो उठे? क्रोध से मुझे शक्ति मिलने चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही शत्रु द्वारा किया गया क्रोध आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, परंतु शत्रु द्वारा उत्पन्न किया गया क्रोध करण का सबसे प्रबल अस्त्र है। सूर्य और दीपक में जो अंतर है, वही अंतर कर्ण और अन्य योद्धाओं में है। आज आपने सूर्य को सामान्य दीपक समझकर हाथ में लेने की भूल की। आज गुरु परशुराम का शिष्य कर्ण आपके सामने खड़ा है। वो गुरु परशुराम जिन्होंने मेरी दुर्बलता को, मेरे क्रोध को मेरी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब आप शक्तिहीन हैं, आप मेरे बाणों का तेज नहीं सह पाएंगे और ना ही मेरे नागपाश का बंधन तोड़ पाएंगे। मत बांधो कर्ण, हमारा वध कर दो, नहीं तो शल्य को कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य को राहु के ग्रहण से सदा भय रहता है, अगर हम जीवित बच गए हम राहु की तरह तुम्हारी कुंडली पर छा जाएंगे कर्ण, सदा सदा के लिए तुम्हें ग्रास जाएंगे। हमें मुक्त करो कर्ण। राधे चुनौती समाप्त करता है, चुनौती देने वालों को नहीं। आपकी चुनौती समाप्त हुई, इसलिए अब यह युद्ध भी समाप्त हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुमान सही सिद्ध हुआ मित्र, मैंने तुम्हें यहां लाकर कोई भूल नहीं की।
चंद्रमा की ओर देख के समय व्यर्थ मत करो कर्ण। तुम्हें अभी एक और वचन को पूर्ण करना है। पूर्णिमा के पूर्ण होने से पूर्व हमें अंग प्रदेश पहुंचना है। चलो मित्र। हर दिन कुछ बढ़कर मुझे सताने का प्रयास ना करो चंद्रदेव। तुम्हारे पूर्ण होने से पूर्व ही मेरा कर्ण अपना वचन पूर्ण करेगा। मेरे जीवन का सूर्य, मेरा कर्ण मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा।